नीतीश कुमार के एग्जिट के बाद इंडिया महागठबंधन में पड़ी है बड़ी दरार, तो वही महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों को लेकर विपक्षी गठबंधन में असहमति है बरकरार। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर से महाराष्ट्र तक कहीं न कहीं इस विपक्षी गठबंधन का भविष्य अधर में लटका नजर आ रहा है। साथ ही एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी की लगातार बैठकों का सत्र भी शुरू है, जिसमें सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा तो हो रही है, लेकिन आपस में ही सहमति बनती नजर नहीं आ रही। लगभग ऐसी आधा दर्जन सीटें हैं जिस पर यह सहमति नहीं बनती नजर आ रही। अगर बात करें उन सीटों की, तो रामटेक, हिंगोली, शिरडी जो कि मौजूदा स्थिति में शिवसेना के पास है, और भिवंडी, शिरडी और जालना जो बीजेपी के पास है, इन सीटों पर शिवसेना के साथ अब कांग्रेस भी दावा कर रही है। अब देखना यह जरूरी होगा कि क्या इन 6 सीटों पर सहमति बनती है और कौन सी सीट कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार होता है और कौन सी सीटों पर शिवसेना अपना दावा छोड़ती है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के दक्षिण मध्य मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई ये 2 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिसमें फिलहाल मौजूदा स्थिति में शिवसेना के सांसद चुनकर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कभी कांग्रेस का भी दबदबा रह चुका है। दक्षिण मध्य की बात करें तो यहाँ पर एकनाथ गायकवाड़ जो कांग्रेस के आला नेता थे, जिनकी बेटी वर्षा गायकवाड़ मौजूदा स्थिति में कांग्रेस की मुंबई की अध्यक्षा है। साथ ही उत्तर पश्चिम में पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम दावा कर रहे हैं वो उत्तर पश्चिम से लड़ना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में शिवसेना इन दोनों सीटों पर अपना दावा छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हालांकि कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही है कि कहीं ना कहीं जो सर्वे रिजल्ट आ रहे हैं उसमें ये सीट शिवसेना को अगर दी जाए तो यहाँ पर जीत हासिल होने के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं, और इसीलिए इन 2 मुंबई की सीटों पर भी लगातार असहमति बरकरार नजर आ रही है। अब देखना ये जरूरी है कि आने वाले दिनों में इसका पेच जो है वो किस तरह महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए सुलझाती है। फिर एक बार 2 फरवरी को एमवीए की मीटिंग होने वाली है, और इस मीटिंग में क्या इन लटकी हुई सीटों पर हल निकलेगा ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर इस पर कोई हल नहीं निकला तो उसके बाद दिल्ली में आला नेताओं की मौजूदगी में जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में इन लटके हुई सीटों के मुद्दे को छेड़ा जाएगा और आखिरकार हल वहीं पर ही निकाला जाएगा। तब तक महाविकास आघाड़ी की बैठकों पर हमारी नजर बनी रहेगी। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, चुनाव आज तक के लिए।